सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बंदे ने हमें कमेंट किया था कि हमें पर्सनल हॉटस्पॉट का पासवर्ड हम कैसे देखेंगे और मेरा पर्सनल हॉटस्पॉट जो वाईफाई है वो कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो वाईफाई क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है और उसका पासवर्ड क्या है और बाकी उसमें कितने आदमी कनेक्ट है आपके मोबाइल से और कितना एमबी आप खपत करना चाहते हैं। तो पूरा डिटेल से मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। सो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। सो दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए मैं अपने यहाँ से मोबाइल के सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है अदर वायरलेस कनेक्शन, और अभी भी आप देख रहे हैं मेरे डिस्प्ले पे एक जो हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट है, ये ऊपर में शो कर रहा है आप। तो चलिए मैं यहाँ अदर वायरलेस कनेक्शन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पर्सनल हॉटस्पॉट है इसे यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखिए मेरा हॉटस्पॉट ऑन है। अगर आप किसी को वाईफाई देना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो इसको यहाँ से आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ही आप अपने मोबाइल से किसी को भी नेट दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका अगर पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा है, किसी को नेट देना है और आपको पासवर्ड नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये पासवर्ड आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, आपके मोबाइल का नाम और पासवर्ड। फिर भी अगर आप पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का पासवर्ड यहाँ पे जो है आप यहाँ से और भी कुछ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जो सबसे ऊपर में आपका नाम दिख रहा है, ये सिक्योरिटी दिख रहा है, एपी बैंड है, एपी बैंड में 2.4 GHz बैंड है ये। और दोस्तों, जो आपका वाईफाई क्यों कनेक्ट नहीं होता है, यहाँ से जो विजिबल टू अदर डिवाइसेस है ये यहाँ से ऑफ रहता होगा। इसके वजह से भी अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका कभी भी वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाएंगे दूसरे मोबाइल में, यानी कि आप किसी को भी नेट नहीं दे पाएंगे। तो चलिए और डिटेल से जानने के लिए हम एक बार बैक करते हैं, और जो नीचे में ऑप्शन है देखिए कनेक्शन मैनेजमेंट, तो हम इसे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप कितने आदमी को एक साथ नेट देना चाहते हैं, एक साथ आप कितने आदमी को, मतलब नॉर्मली भाषा में वाईफाई देना चाहते हैं। अगर आप एक साथ चार आदमी को या एक ही आदमी को देना चाहते हैं तो आप एक लिखेंगे, चार आदमी को नेट, जितना आदमी को नेट देना चाहते हैं आप उतना यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल से उतना ही आदमी कनेक्ट होगा और ज़्यादा नहीं होगा, चाहे उसे पासवर्ड मिल जाए या नहीं मिले। तो मैंने एक आदमी को कर रखा है, मैं सिर्फ एक ही आदमी मेरे वाईफाई से कनेक्ट हो पाएगा। उसके बाद नीचे में जो ऑप्शन है डाटा रेस्ट्रिक्शन, तो यहाँ से आप क्लिक करके आप किसी को भी अगर वाईफाई दिए हैं तो आप क्या कितना चाहते हैं कि वो कितना एमबी वो खपत करे और उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो मैंने 500 एमबी कर रखा है, आप चाहे तो 200 एमबी कर सकते हैं, और जब 200 एमबी ये आदमी यूज कर लेगा तो फिर ये ऑटोमेटिक हॉटस्पॉट बंद हो जाएगा और वो डिसकनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो नीचे में एक ऑप्शन है, ये देखिए ये मेरा वाईफाई है और ये कनेक्ट है, ये मोबाइल अभी रनिंग में है जो मेरे मोबाइल से कनेक्ट है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये आदमी मेरे वाईफाई से डिसकनेक्ट हो जाए, और मैं वाईफाई भी बंद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल में अगर दो आदमी वाईफाई चला रहा है और मैं चाहता हूँ इस आदमी से वो मेरा व्हाट्सअप वाईफाई कनेक्ट ना हो, तो इसके लिए हम इसे यहाँ से क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम इसे यहाँ से डिसकनेक्ट कर देंगे और चाहे तो ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे। इस तरह से अगर हम इसे यहाँ से डिसकनेक्ट एंड ब्लैक लिस्ट पर करेंगे तो ये नंबर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, और जब हम दोबारा से हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो इस आदमी मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। हम पासवर्ड नहीं भी चेंज करेंगे तब भी इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।